एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क में रखवा कर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नजर रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे, और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या राजा इस चट्टान को भी रास्ते से नहीं हटवा सकता। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक पोटली पर गई जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां से उसने वह चट्टान हटाए थे। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए है जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके लाइफ में भी कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल देते हैं, और चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों का हल निकाल लेने की। और ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाएं और संभावनाओं में छिपे अवसर खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिशों के परिणाम हमेशा ही अच्छे आते हैं। इसीलिए जीवन के परेशानियों से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हुए जीवन सफर में आगे बढ़ते रहो।